नमस्कार दोस्तों, आज हिमाचल प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार व स्टेट गवर्नमेंट 50,000 करोड़ की लागत से 200 से ज्यादा छोटी बड़ी परियोजना पर काम कर रही है। वहीं पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी हिमाचल के दौरे पर थे तो उन्हें कई सारी नई परियोजनाओं की भी सौगात दी और कई सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। तो आइए देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश को आज कौन कौन से नए नए प्रोजेक्ट की सौगात मिली और कौन कौन से परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो पहला प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखी उसका नाम है मेडिकल डिवाइस पार्क। मेडिकल डिवाइस पार्क को नालागढ़ में बनाया जा रहा है जो कि 350 करोड़ की लागत आएगी। इस प्रोजेक्ट के बन जाने से यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में इनहेंस तो होगा ही होगा, साथ ही साथ यहाँ पे डेवलपमेंट के भी कई सारे स्कोप यहाँ पे खुलेंगे। इस प्रोजेक्ट को नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही कल ही इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी और बताया जा रहा है कि 10,000 से ज्यादा का यहाँ पे रोजगार मिलेगा। मैंने कि जैसे पहले ही कहा कि 350 करोड़ की लागत आने वाली है, बट अलग अलग कंपनियां द्वारा अलग अलग इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगाने के लिए 800 करोड़ की लागत तक यहाँ पे MOU साइन भी कर लिया गया। आने वाले दिनों में यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर पर यहाँ पे रोजगार के अवसर मिलेंगे और कई सारे डायरेक्ट और अनडायरेक्ट जॉब्स भी यहाँ पे अवेलेबल होगी। ऐसे में यह मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि नालागढ़ में बनाया जा रहा है, वो नालागढ़ के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। अब देखना होगा कि यह मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि नालागढ़ में बनाया जाना है वो कब तक बनकर तैयार होता है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो दूसरा प्रोजेक्ट जिसका फाउंडेशन स्टोन आज ही रखी है उसका नाम है पिंजौर नालागढ़ हाईवे प्रोजेक्ट। 31 किलोमीटर लंबा यह 4-लेन हाईवे पिंजौर से होते हुए बद्दी और नालागढ़ को कनेक्ट करेगी। प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करूं तो 1690 करोड़ है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ही आज ही फाउंडेशन स्टोन रखी, जो बताया जाता कि बन जाने से निश्चित तौर पर रोजगार में अवसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ सड़क की कनेक्टिविटी अच्छी होगी, टूरिज्म में इजाफा होगा और सबसे इम्पोर्टेंट जो इस सभी इंडस्ट्रियल फील्ड को कनेक्ट करेगी, चाहे बद्दी हो, नालागढ़ हो, पिंजौर हो, ये सभी किसा मेडिकल इंडस्ट्रियल पार्क के तौर पे देखा जाता है, जहाँ पे कई सारे मेडिसिन के फैक्ट्रीज हैं, प्लांट है, जिससे कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन में आसानी होगी। ऐसे में देखना होगा कि कब तक बनकर तैयार होता है और कितने लोगों को रोजगार मिलता है। और इतना ही नहीं, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो सबसे बड़ी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया उसका नाम है एम्स बिलासपुर। एम्स बिलासपुर ना सिर्फ बिलासपुर के लिए बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2017 में ही नरेंद्र मोदी जी ने किया था और अब नरेंद्र मोदी जी ही इसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। एम्स बिलासपुर को 1470 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया गया है, जिसकी सबसे खास बात है कि यहाँ पे 18 स्पेशलिटी और 17 सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होंगे, 18 से ज़्यादा मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर्स होगी, 750 बेड की कैपेसिटी होगी और तकरीबन 64 ICU बेड्स भी अवेलेबल होंगे। बिलासपुर एम्स की खास बात होगी कि यहाँ पे सभी आधुनिक मशीनों को यहाँ पे लैस किया जाना है, जिससे गंभीर से गंभीर बीमारी का पता चला सके और इलाज भी कर सके। वहीं इस हॉस्पिटल में तकरीबन 100 से ज़्यादा MBBS की सीट्स होगी, वहीं 60 से ज़्यादा नर्सिंग कोर्सेज के लिए भी यहाँ पे सीट होगी। एम्स बिलासपुर तकरीबन 247 एकड़ में फैला है, जो कि बहुत ही शानदार हॉस्पिटल में से एक है। इसके अलावा आज हिमाचल प्रदेश को गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज को भी यहाँ पे बनाकर पूरी तरह से देश को समर्पित कर दिया गया है। बताया जाता है कि इस कॉलेज को 140 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश के बंदला में बनाया गया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है। बताया जाता है कि इस कॉलेज में हाइड्रो पावर सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट में यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और मैन पावर को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से यूथ को तैयार किया जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं उससे आने वाले समय में जॉब अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा फायदे होंगे और यहाँ के यूथ को एक नई ऊंचाई भी मिलेगी। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में कितने यूथ को तैयार किया जाएगा, कितने लोग को, कितने यूथ को हर साल यहाँ पे तैयार किया जाएगा। इसके अलावा भी आज हिमाचल प्रदेश में कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं, उनमें से ऑल वेदर रोड टनल प्रोजेक्ट है, रोपवे जैसे कई सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज के डेट में हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर काम चल रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सभी प्रोजेक्ट बनकर तैयार होंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और उसके बारे में डिटेल में पूरी तरह से एनालिसिस करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही भारत के अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग शहर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएट लिया जाएगा या फिर बनाकर पूरा किया जाएगा उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिलहाल आज का वीडियो मेरा यहीं पेंड होता है। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सबसे इम्पोर्टेंट चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।